क्या आपको भी मैथमेटिक्स में रुचि है? क्या आपको यह सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है? अगर हाँ तो आपको आज मैं बताने वाला हूँ कि मैथमेटिक्स लेकर के अपने एक कैरियर को कैसे स्टेबल करें, कैसे अपना सुनहरा भविष्य, उज्जवल भविष्य बनाएं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे मैथमेटिक्स विषय के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। अगर आप मैथमेटिक्स लेकर के पढ़ते हैं तो आप अपने भविष्य में क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें आप जा सकते हैं। दोस्तों देखिए, एक छात्र के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि वो जो सब्जेक्ट पढ़े उसमें उसका कैरियर कहाँ है, कहाँ पर वो अपने आप को देखता है, वो अपने जीवन से क्या चाहता है। ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में चलते हैं जब हम किसी सही विषय का चुनाव करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आपको मैथमेटिक्स का चुनाव क्यों करना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप मैथमेटिक्स लेकर के कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जिसको आप अगर आप पढ़ते हैं तो आपको अपने कैरियर को लेकर के बहुत ज्यादा भटकना नहीं पड़ता। उसका कारण यह होता है कि आपके सामने कई सारे रास्ते होते हैं, उनमें से किसी एक रास्ते पर जा करके जिसमें आपकी रुचि होती है, जो आपका काम करने का मन करता है, उसको लेकर के आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, सुनहरा बना सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं। जब आप मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको पता है कि 10वीं के बाद आप कोई ना कोई स्ट्रीम चुनते हैं। कुछ लोग पीसीबी लेते होंगे, कुछ लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हैं, कुछ लोग कॉमर्स लेते हैं, कुछ लोग आर्ट्स लेते हैं। तो आज हम जानेंगे कि मैथमेटिक्स लेकर के आप कौन कौन से करियर ऑप्शंस अपने लिए बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बात करूंगा सबसे पॉपुलर करियर के बारे में, जो हर विद्यार्थी का, हर एक स्टूडेंट का जो मैथ लेता है, कहीं ना कहीं उसका सपना होता है कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। अब जानते हैं कि कैसे आप इसमें जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप मैथमेटिक्स लेते हो तो मैथमेटिक्स आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिससे कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो काम होता है वो सॉफ्टवेयर डिजाइन करना, उसको डेवलप करना, बहुत सारी चीजें। इसमें आपको कंप्यूटर साइंस के साथ साथ मैथ्स की थ्योरी, उनके प्रिंसिपल्स, इन सब की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जो भी इसमें एक्सपर्ट हैं, आप उनको देखोगे कि उनके पास मैथमेटिक्स लेकर के वो इस क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। बहुत ज़्यादा आप लोग अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी कंपनी में अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो बहुत सारे विकल्प आपको मिल जाते हैं और इसमें बहुत जल्दी ग्रोथ भी होती है। दूसरी बात, आप इसमें बैंकिंग में जा सकते हैं। दोस्तों देखिए, बैंकिंग में मैथमेटिक्स प्रोफेशनल जो होते हैं, जिनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है, जो मैथमेटिक्स में प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, जिसमें कि अकाउंटेंट, कस्टमर सर्विस, हेल्प डेस्क, कैश डेस्क, ये सब सारी, अकाउंट ओपनिंग, ये सारी, सेल्स एग्जीक्यूटिव, रिकवरी ऑफिसर, ऐसे प्रोफाइल्स के जॉब आप कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी में मैथमेटिक्स स्किल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मैं आपको बता दूँ, आप अगर मैथमेटिशियन बनना चाहते हैं, देखिए मैथमेटिशियन किनको कहते हैं, मैथमेटिशियन ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में रिसर्च करते हैं। इसके अलावा लॉजिक, ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर आदि जितने भी रहस्य हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनका निर्धारण करते हैं। इसमें भी जाने के लिए आपको मैथमेटिक्स का एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इस क्षेत्र में भी जा करके आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप टीचिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप मैथमेटिक्स के प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स में अच्छी समझ है और आप टीचिंग करना चाहते हैं तो आप किसी भी स्कूल में, किसी भी अच्छे कॉलेज में जा करके मैथमेटिक्स में प्रोफेसर बन सकते हैं और छात्रों को सिखा सकते हैं। मैथमेटिक्स विषय की इम्पोर्टेंस और मैथमेटिक्स क्यों अच्छा सब्जेक्ट है, इसके बारे में आप ज्ञान दे सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। अगली जो जॉब आती है दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग जॉब है, इसमें भी आपको मैथमेटिक्स का लाभ मिलता है, वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट। दोस्तों ये एक ऐसी प्रोफाइल है जिसके बारे में आपको पता है कि मैथमेटिक्स में पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीए का जो पूरा काम होता है वो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन से जुड़ा होता है, जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितनी भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, इकोनॉमी अच्छी चलती है, ये सारी बातें आपको इनमें जुड़े रखने के लिए जरूरी होती है। तो आपकी अगर मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप इसमें भी जा करके एक अच्छा करियर बना सकते हैं। और मैं बात करूंगा कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट। अब दोस्तों देखिए ये क्या है, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट जो आईटी टूल्स का उपयोग करते हुए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी इंटरप्राइजेस को लक्ष्य पूरा करने, टारगेट पूरा करने में मदद करते हैं। यहाँ पर आपको गणित का अगर ज्ञान नहीं है, मैथमेटिक्स का ज्ञान नहीं है, तो आप आगे नहीं जा सकते। और अगर मैं बता दूं कि अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, मैथमेटिक्स में आपका रुझान है, तो इस क्षेत्र में जा करके आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों जितने भी सिस्टम एनालिस्ट होते हैं वो अपना ज़्यादातर काम अपने कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं, जिसको समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए।
इसलिए मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे पहले जो मैंने बातें आपको बताई, जो भी कर ऑप्शन आप लोगों ने बताया, वो मैथमेटिक्स लेने के बाद इन क्षेत्र में आप जा सकते हैं, इन क्षेत्रों में अपने भविष्य को जा करके सुनहरा बना सकते हैं। दोस्तों एक बात और जान लीजिए, मैथमेटिक्स अगर एक ऐसा विषय है जिसमें आपको कई सारे कैरियर ऑप्शंस मिलते हैं, इनमें बहुत सारे क्षेत्र आते हैं जिनके जिनके थ्रू आप मैथमेटिक्स में लेकर के जा सकते हैं, एक अच्छा भविष्य अपने लिए, अच्छे भविष्य की नींव तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि जो मैंने कैरियर ऑप्शंस आपको बताए मैथमेटिक्स से जुड़े हुए, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ऑसम डे।